गुड इवनिंग एवरी वन. टुडे वी फिनिश्ड अवर फर्स्ट सेशन ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लासेस. पहला सेशन खत्म करा है. अब मैं आपको जो पहला हमने आज प्रैक्टिस सेशन किया था, मैंने टास्क दिया था तो मिस्टर कौशिक हैं कोलकाता से, कौशिक दास, उनकी मैं वीडियो प्ले करूंगा. उन्होंने जो मुझे प्रैक्टिस करके भेजा है. अगर आप भी इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं और आपको भी मौका मिलेगा मेरे चैनल पर अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के जो स्किल डेवलप हो रहे हैं उनको दिखाने का. चलिए वीडियो देखते हैं. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ कौशिक शाह. टुडे आई हैव अ क्लास विद शेफ धीरज भंडारी. दिस इज अवर फर्स्ट स्पोकन इंग्लिश क्लास. हेयर ही गिव अस अ स्मॉल टास्क टू रीड एटलीस्ट वन पैराग्राफ इन इंग्लिश फॉर एटलीस्ट वन मिनट. सो हेयर आई स्टार्ट. माई टॉपिक इज ओदोफ. द ऑरिजिन ऑफ ओदोफ हैज बीन ट्रैक्ड बैक टू द रोमन हु एंजॉयड ईटिंग स्पाइसी फूड्स बिफोर अ बिग डिनर. ओदोफ्स आर मेंट टू स्टिम्युलेट एपेटाइट so that the presentation and taste is very important. Simplicity should be the watchword. They could be made with leftover and fresh items so that they look appealing to the customers, tasty and well presented. Decoration, common sense, imagination and good taste should be determined the selection. Also, most odofs are served cold. There are also hot odofs as well. Thank you, friends.